ये हैं अबू हुफैजा साहब, जिन्होंने जौनपुर शाहगंज रूट पर पड़ने वाले मनिकला रेलवे स्टेशन हॉल्ट से डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अबू हुफैजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ये दुआ है हमारी। सामने देख सकते हैं ये जौनपुर की दिशा हो गई, तो लखनऊ रेल मंडल के अंतर्गत ये सेक्शन आता है। खेता सराय मेहरावा और महगावा स्टेशन के बीच में जो दोहरीकरण का काम चल रहा था पटनी जोड़ने के लिए, तो उसके चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया। बाद में कुछ ट्रेनों की वापसी भी हुई, यानी कि निरस्तीकरण कुछ ट्रेनों का कम कर दिया गया। तो खेता सराय से मेहरावा महगावा तक आज CCRS इंस्पेक्शन होना है। आज दिनांक 4 जुलाई 2022। ये CCRS इंस्पेक्शन 3 जुलाई 2022 को निर्धारित था, लेकिन जो ब्लॉक की तिथि थी वो 3 जुलाई 2022 रखी थी। अब ब्लॉक की तिथि एक दिन और बढ़ा दी गई। पहले जो ब्लॉक की तिथि शुरुआत में रखी गई थी वो 24 जुलाई 2022 रखी गई थी, फिर उसे घटाकर कम करके 3 जुलाई 2022 रखी गई, फिर एक दिन के लिए और बढ़ाया गया ये ब्लॉक। तो आज और ट्रेनों निरस्त रहेंगी इस सेक्शन पर। तो 17 किलोमीटर की दूरी का CCRS इंस्पेक्शन होना है, बारीकी से निरीक्षण करेंगे। लखनऊ उत्तर रेलवे के अंतर्गत ये सेक्शन आता है। जफराबाद बाराबंकी सेक्शन पर आप डबलिंग रेल इलेक्ट्रिफिकेशन समझ सकते हैं, या जौनपुर शाहगंज डबलिंग रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कम अपडेट ये समझ सकते हैं। तो शाम को कोशिश रहेगी कि आप लोगों को CCRS इंस्पेक्शन द्वारा स्पीड ट्रायल का वीडियो भी दिखाएं। जिस ट्रैक पर ये हुज़ैफ़ा साहब चल रहे हैं, तो देख सकते हैं ये नया नवनिर्मित रेल लाइन है, डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। सामने जौनपुर की दिशा हो गई, पीछे शाहगंज की दिशा हो गई। तो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं मनिकला रेलवे स्टेशन हॉल्ट के पड़ोस से। तो जब शाम को स्पीड ट्रायल होगा तो मालगाड़ियां संभवतः सबसे पहले गुजारी जाएंगी, फिर यात्री गाड़ियां भी गुजरने लगेंगी, तो फ़ायदा मिलेगा, ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराना पड़ेगा महगावा मेहरावा खेता सराय रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ये सेक्शन लगभग 17 किलोमीटर की दूरी का है, तो ये पूरा हो गया है। तो सबसे पहले जो सेक्शन है ये यहीं वाला ओपन होने जा रहा है, डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, जफराबाद से बाराबंकी के बीच में। तो एक बड़ी और अच्छी खबर है, और अब उम्मीद है कि आने वाले समय में अयोध्या सेक्शन पर, अयोध्या शाहगंज सेक्शन पर जो आपका गोसाईगंज रेलवे स्टेशन है, गोसाईगंज रेलवे स्टेशन से अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, वहां पर भी बहुत जल्द डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी मेगा ब्लॉक लिया गया था और जिसके चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया था। तो अब देखना होगा वहां कब CCRS इंस्पेक्शन होता है। अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर वीडियो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से CCRS इंस्पेक्शन का भेज सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।